हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट वॉर्म एंड वॉर्म गियर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स? आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। ये फिगर में दो गियर है, एक तो ये जो है उसको हम बोलेंगे वॉर्म एंड दूसरा ये जो है उससे हम बोलेंगे वॉर्म गियर। ओके, सो वॉर्म एंड वॉर्म गियर तो दोनों अलग है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सिस है वॉर्म की वो और जो एक्सिस है वॉर्म गियर की वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दूसरा कि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं जैसे कि बेवल गियर में करते थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन वॉर्म एंड वॉर्म गियर द एक्सिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब इसमें जनरली जो वॉर्म होता है उसे हम ड्राइविंग मेंबर कंसिडर करते हैं। फ्रेंड्स, जो वॉर्म है उसे हम ड्राइविंग मेंबर कंसिडर करते हैं, और ये जो आप थ्रेड देख रहे हो वो ट्रेपेजोइडल या तो एक्मे थ्रेड होते हैं उसमें, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पावर स्क्रू का, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड थे, तो उसमें जो एक्मे और ट्रेपेजोइडल थ्रेड होते हैं वो ये वॉर्म के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रेड जो है वो जनरली दो टाइप से बनते हैं, एक तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल होता है और दूसरा जो होता है वो साइक्लोइडल प्रोफाइल होता है, ठीक है। और साइक्लोइड में भी एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड का कॉम्बिनेशन होता है। सो यहाँ पे जो वॉर्म गियर के जो थ्रेड है वो इन्वोल्यूट हेलिकॉइड प्रोफाइल है, और वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और या थोड़ा कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वॉर्म मे बी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपने सुना होगा कि राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल। आप अपना राइट हैंड को थंब ऊपर रखें और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में भी थंब ऊपर रखें, अगर आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो आपकी जो उंगलियों की जो डायरेक्शन है अगर आप वो डायरेक्शन में घुमाते हो तो जो स्क्रू होगा या तो जो भी वर्किंग होगा वो अपर साइड आएगा, ठीक है। तो उसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड हम बोल सकते हैं, और उसमें सिंगल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है। वॉर्म जो होता है वो सिंगल स्टार्ट या तो मल्टी स्टार्ट हो सकता है। अब वॉर्म गियर जो है वो वॉर्म गियर की बात करें, अभी तक जो बात की वो वॉर्म की बात की, ठीक है। अभी वॉर्म गियर, तो वॉर्म गियर है वो सिमिलर टू हेलिकल गियर, ठीक है, एक्सेप्ट द फेस इज कॉन्केव टू एनवेलप ऑफ द वॉर्म, ठीक है, एनवेलप ऑफ द वॉर्म। तो उसकी जो फेस है आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्केव शेप है, यहाँ कॉन्केव जो शेप होता है वो यहाँ पे जो फेस है वो कॉन्केव शेप का है ताकि वो इसको एडजस्ट कर सके। ओके, सो वॉर्म एंड वॉर्म गियर हैव अ सेम हैंड ऑफ हेलिक्स, मतलब ये राइट हैंड है तो वो भी राइट हैंड है, ठीक है। देन जो वॉर्म गियर है वो हॉबिंग से, हॉब जो प्रोसेस होती है हॉबिंग प्रोसेस, उससे हम जनरेट कर सकते हैं। एंड वॉर्म जो होता है वो सिंगल पॉइंट टूल से हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इतना हुआ वॉर्म एंड वॉर्म गियर के बारे में इंट्रोडक्शन। अभी एडवांटेज और लिमिटेशंस हम देखते हैं। तो पहले तो ये इसकी एडवांटेज हम देखते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा, इसका रिडक्शन रेशियो जो है वो 70:1, यानी कि कहाँ तक जा सकता है कि ये जो वॉर्म है वो अगर 70 बार रोटेशन मारता है तो ये वॉर्म गियर है वो सिर्फ एक बार रोटेशन मारेगा, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं रिडक्शन रेशियो। ओके, तो जब भी हाई रिडक्शन रेशियो की आवश्यकता है तो हम वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो ऑपरेशन है वो स्मूथ एंड साइलेंट है। उसके बाद इसकी जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 50% है। इसका यूज़ क्या है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी कम होने का फ़ायदा क्या है कि वो लॉकिंग हो जाता है, सेल्फ लॉक हो जाता है। अब सेल्फ लॉक आपको बहुत से चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, फ्रिक्शन है या आप पावर स्क्रू ले लो, तो उसमें सेल्फ लॉकिंग हमने पढ़ाया है कि सेल्फ लॉकिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो कब होता है, जब उसकी एफिशिएंसी लेस देन 50% हो तब, ठीक है। अब लिमिटेशंस में भी वही लिखा है कि एफिशिएंसी इज लो, तो वो उसकी एक लिमिटेशंस भी है कि कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें हाई एफिशिएंसी की ज़रूरत है और कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जहाँ पे सेल्फ लॉकिंग की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड सो द इफेक्टिव कूलिंग इज नेसेसरी, मतलब कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वियर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए ये हीट भी ज़्यादा क्रिएट करता है, इसीलिए हमें कूलिंग चाहिए इसमें, ठीक है। वो ऑयल से या फैन से या कोई भी रीजन से हम कर सकते हैं, कोई भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कूलिंग चाहिए हमें।
वॉर्म गियर जनरली यूज फॉस्फरस ब्रॉन्ज विच इंक्रीज द कॉस्ट, मतलब जो गियर है वो जनरली हम फॉस्फरस ब्रॉन्ज यूज करते हैं क्योंकि उसकी वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो कॉस्ट भी इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज लो, इसकी जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो कम है, ओके। तो इतना हो गया, अब देखते हैं टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले है हेलिक्स एंगल, ओके, साय, हम उसका सिंबल देंगे यहाँ पे साय। तो फ्रेंड्स हमने टर्मिनोलॉजी पूरी देखी है हेलिक्स हेलिकल गियर की, ठीक है। तो वही टर्मिनोलॉजी सेम टू सेम यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है लीड एंगल में और उसमें। सो हेलिक्स एंगल तो सबको पता है कि यहाँ पे हेलिक्स एंगल हम किसे बोलेंगे, तो जो टीथ जो है वो टीथ का जो एंगल है यहाँ पे वो उसे हम हेलिक्स एंगल बोलेंगे। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है दैट इज हेलिक्स एंगल, ओके। साय, इट्स एंगल मेड बाय दी हेलिक्स और टीथ विथ एन एक्सिस ऑफ दी रोटेशन, ओके। इट्स एंगल बिटवीन हेलिक्स और एंगल मेड बाय हेलिक्स और टीथ, ओके। नाउ साय डब्ल्यू इज द हेलिक्स एंगल ऑफ वॉर्म एंड साय जी इज द हेलिक्स एंगल ऑफ वॉर्म गियर। बट यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में जो हेलिक्स हेलिक्स एंगल है वो हम ले सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इसका और इसका जो हेलिक्स एंगल है वो 90 डिग्री होगा टोटल। सो साई डब्ल्यू प्लस साई जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। नाउ सेकंड इज लीड एंगल। तो फ्रेंड्स लीड एंगल हमें किसे बोलेंगे, तो इट इज़ द एंगल मेड बाय द हेलिक्स और टीथ टू प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो साई जी, ठीक है, उसे हम लीड एंगल बोलेंगे। साई जी लैम्बडा इज इक्वल टू सॉरी लीड एंगल लैम्बडा इज इक्वल टू साई जी। सो साई डब्ल्यू प्लस साई इज इक्वल टू 90 हम लिख सकते हैं। तो साई लैम्बडा इज इक्वल टू 90 माइनस साई डब्ल्यू हम लिख सकते हैं, ओके। सो लीड एंगल, लीड किसे बोलेंगे वो आपको पता है कि जब भी एक रोटेशन होगा तो आगे कितनी मूवमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड दी लीड। अब लीड और नंबर ऑफ स्टार्ट, वो दोनों में क्या डिफरेंस है या तो क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो अगर स्पीड रेशियो 30 एंड अबो है तो हम नंबर ऑफ स्टार्ट 1 रखेंगे, अगर स्पीड रेशियो 15 से 30 है तो 2 रखेंगे, और 7 टू 15 है तो 4 रखेंगे, और बिलो 7 है तो 6 रखेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टार्ट है 1 2 4 6, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो एक्सियल पिच में इफेक्ट करता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी देख लेते हैं एक्सियल पिच क्या है या तो ट्रांसवर्स पिच क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, एक्सियल पिच या तो ट्रांसवर्स पिच। तो एक्सियल पिच देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है ट्रांसवर्स पिच या तो एक्सियल पिच। तो ये जो एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे सेंटर लिया और दूसरे टूथ का वही सेंटर लिया, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड द पिच, ओके। सो इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन वन टूथ टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ, बाजू वाला टूथ का वही पॉइंट अगर ले और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एक्सियल पिच और ट्रांसवर्स पिच, ठीक है। तो ट्रांसवर्स पिच में आप लिख सकते हो पी ए इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू पाई एम। ये सब इक्वेशन वेल नोन है, आपने स्पर गियर हेलिकल गियर और बेवल गियर में देखा है, ठीक है। तो और उसकी टर्मिनोलॉजी भी पता है। सो पी ए इज इक्वल टू पाई इन टू एम। अब एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, ओके। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूल, ओके। एम जो है वो मॉड्यूल है। अब नॉर्मल सर्कुलर पिच क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मल सर्कुलर पिच जो है वो ये डायरेक्शन में, आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये है नॉर्मल सर्कुलर पिच, और ये होती है ट्रांसवर्स जो कि एक्सियल डायरेक्शन में होती है पी ए, ठीक है, और ये है पी एन जो नॉर्मल डायरेक्शन में है इस तरह, ठीक है। सो इट इज द सर्कुलर पिच मेजर्ड इन द नॉर्मल प्लेन ऑफ द वॉर्म गियर। सो पी एन इज इक्वल टू पी टी कॉस साई जी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी एन इज इक्वल टू, अगर आप कॉस साई जी करेंगे यहाँ पे कॉस एंगल लेंगे तो इट इज पी एन डिवाइड बाई पी टी, ओके। पी एन मतलब उसकी जो नज़दीकी साइड ए सी डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है। सो पी एन अपॉन पी टी। अब उसको पी एन इज इक्वल टू हमने जैसे कि पी टी हमने लिया पाए एम,
ओके पाई इंटू मॉड्यूल, वैसे ही पी एन इज इक्वल टू पाई इंटू नॉर्मल मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल मॉड्यूल हम कंसिडर करेंगे, सो नॉर्मल मॉड्यूल इज इक्वल टू एम कॉस साई जी ले सकते हैं। सो या तो कॉस साई जी इज इक्वल टू लैम्बडा, जैसे हमने आगे देखा था साई जी इज इक्वल टू लैम्बडा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लैम्बडा यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लीड ऑफ द वॉर्म, जैसे कि मैंने बताया था कि लीड एंगल और नंबर ऑफ स्टार्ट में क्या सिमिलैरिटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ स्टार्ट होंगे उतनी एक्सियल पिच यहाँ पे होगी। सपोज दो नंबर ऑफ स्टार्ट है तो लीड इज इक्वल टू टू पी ए हो जाएगा, अगर सिंगल स्टार्ट है तो लीड इज इक्वल टू पिच होगी, ठीक है। जब एक बार रोटेशन करेगा तो एक जो वन टाइम पिच होगी उतना ही लीड होगा, अगर दो होगा नंबर ऑफ स्टार्ट तो टू टाइम्स एक्सियल पिच हो जाएगी लीड इज इक्वल टू, दैट्स अ डिफरेंस, ओके। और यहाँ पे लीड एंगल लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पे एल और ये पाई डी डब्ल्यू, मतलब कि जो पिच सर्कल डायमीटर है उसका सरकमफेरेंस है, ठीक है। सो टेन लैम्बडा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल अपॉन पाई डी डब्ल्यू, सो एल इज इक्वल टू अगेन पी ए इंटू जेड डब्ल्यू एंड नीचे पाई डी डब्ल्यू है ही, और पी ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई इंटू एम इंटू जेड डब्ल्यू और अपॉन पाई इंटू डी डब्ल्यू। सो अल्टीमेटली 10 लैम्बडा इज इक्वल टू एम इंटू जेड डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू, ओके। देन नेक्स्ट इज डायमेट्रल क्यूटेंट। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायमेट्रल क्यूटेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर ऑफ वॉर्म टू द एक्सियल मॉड्यूल, ठीक है। एक्सियल मॉड्यूल, नॉर्मल मॉड्यूल में हम एम एन लिखते हैं लेकिन एक्सियल मॉड्यूल में हम सिर्फ एम लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज अ रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द वॉर्म टू द नॉर्मल अरे सॉरी एक्सियल मॉड्यूल, ओके। नाउ यहाँ पे 10 लैम्बडा इज इक्वल टू जेड डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन एम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एम नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जेड डब्ल्यू अपॉन क्यू, सो 10 लैम्बडा इज इक्वल टू जेड डब्ल्यू अपॉन क्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 10 लैम्बडा इज इक्वल टू जेड डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्योंकि कई बार क्यू दिया हुआ रहता है, सो इससे हम लैम्बडा भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्यू से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, सो क्यू डिटरमाइंस द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वॉर्म अगेंस्ट द बेंडिंग एंड टॉर्सन, ठीक है। ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन कितना बेंडिंग होगा कितना टॉर्सन होगा वो क्यू पे ज्यादा डिपेंड रहता है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है। विद द स्मॉलर क्यू डायमीटर इज रिड्यूस वॉर्म डायमीटर एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, ठीक है। तो अगर आप क्यू स्मॉल ले रहे हो तो वो स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी भी रिड्यूस कर रही है और डायमीटर भी रिड्यूस कर रही है। अगर लार्जर क्यू लेते हो तो डायमीटर भी वॉर्म का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। विद द स्मॉलर क्यू लीड एंगल इज लार्ज, यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉलर क्यू लीड एंगल ज़्यादा हो जाएगा एंड लार्जर क्यू लीड एंगल इज स्मॉलर, ओके। सो दिस इज अबाउट डायमीटर क्यूटेंट। इन प्रैक्टिस जनरली हम डायमीटर क्यूटेंट क्यू 6 से 15 के बीच में लेते हैं और मोस्टली हम 10 ले सकते हैं, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल होंगे डिजाइन में उसमें हम क्यू इज इक्वल टू 10 कंसिडर कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो एज्यूम कर सकते हैं हम, ठीक है। अब स्पीड रेशियो क्या है, वो ये तो सबको बताया कि एन डब्ल्यू अपॉन एन जी गियर रेशियो हम बोल सकते हैं, जेड जी अपॉन जेड डब्ल्यू, ओके। देन सेंटर डिस्टेंस डी डब्ल्यू प्लस डी जी बाई टू, दोनों का सेंटर डिस्टेंस क्या है, सो यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस जैसे कि यहाँ पे ये जो है डी जी बाय टू होगा और यहाँ पे डी डब्ल्यू बाय टू होगा, ठीक है, और दोनों का सेंटर का डिस्टेंस एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है। नाउ ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, ये भी सबको पता है जो हमने हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी में देखा है, इट इज अ प्रेशर एंगल मेजर्ड इन अ ट्रांसवर्स प्लेन एंड नॉर्मल प्रेशर एंगल इट इज मेजर्ड इन अ नॉर्मल प्लेन। अब ये जो इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन मैं आपको डायरेक्टली अभी नहीं बता सकता, क्योंकि जब भी मैं आगे कोई वीडियो अपलोड करूँगा फोर्स ऑन द हेलिकल गियर, ठीक है, जो हेलिकल गियर में जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, तभी ये इक्वेशन मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँगा, ठीक है, तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो प्लीज़ आप देखिएगा ये इक्वेशन के लिए, टेन फाई टी इज इक्वल टू टेन फाई एन अपॉन कॉस साई जी, ओके, या तो कॉस लैम्बडा। अब स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल आपको पता ही है, स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल 14.5, 20, 22.5, 25 एंड 30, ये सब स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल है। लेकिन
जब लीड एंगल इतना हो तो आपको उसके हिसाब से स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एडेंडम डिडेंडम, वो भी आपको पता है एडेंडम डिडेंडम क्या है, ठीक है। और फेस विड्थ जो है वो यहाँ पे, ये पूरा प्रोसीजर है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो पाइथागोरस लॉ अप्लाई करके यहाँ पे ये फाइंड आउट किया है। लेकिन आप अभी इतना याद रखो कि फेस विड्थ है उसका इक्वेशन आपको डायरेक्टली डिज़ाइन डेटा बुक में दिया रहेगा, 2m अंडर रूट क्यू प्लस 1, क्यू दैट इज डायमेट्रल क्यूटेंट, एंड b इज इक्वल टू 0.73 dW, ओके, डायमीटर ऑफ वॉर्म। तो आप दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एंड लीड ऑफ द वॉर्म फाइंड करने के लिए पाई एम मॉड्यूल ब्रैकेट 4.5 जेड ए अपॉन 50, ओके। तो इस तरह से आप टर्मिनोलॉजी इसकी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।